और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये मेरी वजह से नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने खास तौर पे इस मस्जिद में इस सर्विस में बैठने का सब नाजी आप लोगों को यहाँ पे जमा किया है। और ये जो बातें हो रही है, ये कुछ छोटी बातें नहीं, ये नहीं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये बुजुर्गों की जो आप सुबह सारी जिंदगी इस चीज की दावत को लेके चले, ये वो बातें यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं। और अल्लाह ताला की ऐसी महदूद में खास रहमत होती है कि जहाँ पे अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा होता है, तो मेरा बात अल्लाह ताला ने मुझे हर किस्म की नेमत से नवाजा है, चाहे वो पैसा और दौलत शौहरत हर तरीके से नवाजा है, लेकिन मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि जितना सुकून इस तरह की महफिलों में बैठने से आता है और जितना सुकून अल्लाह के रास्ते में निकलने से आता है, मुझे इतना सुकून जिंदगी में कभी नहीं मिला। मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूँ या ना बनूँ, मैं एक अच्छा मुसलमान बनना चाहता हूँ। और वो भी मोमिन मुसलमान, दो किस्म के मुसलमान होते हैं, एक मुसलमान है जो अल्लाह को मानता है और दूसरा मोमिन मुसलमान होता है जो अल्लाह की मानता है। तो हम अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि हमें ऐसा मुसलमान करा दे जो अल्लाह की बातों को माने। अल्लाह को हम मानो क्यों मानता है, जो मुसलमान नहीं है वो भी अल्लाह को मानता है, लेकिन अल्लाह की मानने वाले अगर हम बन जाए तो इस दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। शायद आप दीदी जब मर जाए तो शायद आप दीदी से खबर में उसकी क्रिकेट के सवाल नहीं होंगे कि तुमने कितने छक्के मारे, कितने आउट किए, ऐसा कोई सवाल आप मुझसे नहीं होना खबर है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है कोशिश करता हूँ बुजुर्गों के साथ जाके बैठूं, दीन को सीखूं, अल्लाह के रास्ते में निकलूं। मैं आपको बता दूं, ये हमारे आयात में और बांग्लादेश बैठे हैं, 7-8 साल से मेरे पीछे पड़े रहे, शुरू में 2-3 साल पहले मेरे पीछे पड़े रहे। मैंने कहा मेरे पीछे तबलीग वाले पड़ गए, मैं अपनी नमाज पढ़ता हूँ 3-4 बार, तो बस बहुत करने के लिए है, पुरानी बात है। लेकिन जब इनके साथ मिला, इनके साथ पहली दफा मैंने शहर का लगाया हैदराबाद जाके, तो ये मारे जब 3-4 रोज की नमाज पढ़ता था उससे 10 से 12 गलतियां निकल आई। मैंने कहा ये मेरी एक नमाज है, तो आप जब अल्लाह के रास्ते में आप निकलना शुरू करोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब खाने को सामने भेजनी पड़ी हो, जब तक आप उसको खाएंगे नहीं उसके मजे का पता नहीं चलेगा। तो ये अल्लाह का रास्ता है, जब तक आप अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेंगे आप उसके मजे का पता चल ही नहीं सकता। मुझे कोई जरूरत नहीं माइक पकड़ के आप लोगों के सामने खड़े होंगे, वहां से चलते चलते यहाँ पे आप लोगों के पास आऊ, लेकिन मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। मैंने दुनिया के हर कोना देखा, हर किस्म के लोगों को मिला, लेकिन खुदा की कसम ये जो रास्ता है ये हक और सच रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। हम उम्मत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमने उस इसी काम को लेके चलना है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इस मस्जिद में बैठे हुए मौलाना हजरत या मदरसों में मौलाना हजरत की जिम्मेदारी नहीं है, ये जो जो मुसलमान है उस हर एक के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस काम को आगे ले चले। पहले खुद सीखे, अल्लाह के रास्ते निकल के 3 दिन के लिए, चिल्ले के लिए, 4 महीने के लिए, मेरा भी इरादा है इंशाल्लाह बैठकों के बाद 4 महीने लगाने का, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे आपको भी मिलती है। आमीन आमीन। इसलिए ये दुनिया का कुछ पता नहीं है, खत्म हो रही, चलते फिरते कभी वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया, चलते फिरते सुनने में आती है चीजें, एक वक्त आएगा हमारी बारी भी आएगी। ज्यादा से ज्यादा एप्रिशिएट है जिंदगी, 60 साल ज्यादा से ज्यादा, और ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आप मुसलमानों का तो ये कीता ये है, हमारा ये है कि उस जिंदगी की तैयारी हमें करनी चाहिए जो खत्म ही नहीं होगी। इस चीज का यकीन नहीं, जैसा भी मौलाना साहब फरमाते हैं, हजरत फरमाते हैं कि यकीन नहीं है हमारा, हमारा वाकई यकीन नहीं बना, हमने कलमा पढ़ तो लिया लेकिन कलमे में यकीन नहीं है, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह में यकीन नहीं है, हमें पैसे में यकीन है, पैसे से सब कुछ होता है। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह में यकीन हो गया हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगी। अल्लाह ताला ने सब कुछ किताब भी दी थी, भिजवा दी है, उस्ताद भी ऐसा उस्ताद जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ करके दिखाया, जिसने बैतुल खला से लेकर बैतुल अल्लाह तक सब कुछ बता दिया कि किस तरह जिंदगी गुजारनी है। तो ये जब तक हम सीखेंगे नहीं, इस चीज को आगे नहीं लेके जाएंगे, हमारे यही हालात रहेंगे, हम भी यही परेशानियां रहेंगी। छोटी सी नहीं खेल रहा है, छोटी सी नहीं खाने के लिए मेरे लिए भी दुआ करें इंशाल्लाह सबको कबूल करें। और खासतौर पर मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जिन्होंने अभी तक अल्लाह के रास्ते में 3 दिन नहीं लगाए, मैं आप लोगों से 4 महीने का नहीं कह रहा, मैं 40 दिन का कह रहा हूँ, मैं उनके पास है जिन्होंने आज तक 3 दिन अल्लाह के रास्ते में नहीं लगाया। मैं खासतौर पर उन लोगों के लिए आया हूँ, जवान लोगों के लिए आया हूँ, जवान लड़के जो बैठे हैं जिनके माशाल्लाह नजर आ रहे हैं उनसे, तो आप में से कौन कौन साथी आप लोग लगाएंगे तो खुद पता चल जाए खुद आ गए बाकी।
ये काम हमें करना चाहिए। और ये तीन दिन तीन घंटे की तरफ गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातें हो रही है ये कोई छोटी बातें नहीं है, ये एक काम से सुना दूसरे से निकाल दिया, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये बुजुर्गों की जो आप समझ में सारी जिंदगी इस चीज की दावत को लेके चले, ये वो बातें यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं। और अल्लाह ताला की ऐसी महफिल में खास रहमत होती है कि जहाँ पे अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। तो मेरा बात अल्लाह ताला ने मुझे हर किस्म की नेमत से नवाजा है, चाहे वो पैसा और दौलत शौहरत हर तरीके से नवाजा है, लेकिन मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि जितना सुकून इस तरह की महफिलों में बैठने से आता है और जितना सुकून अल्लाह के रास्ते में निकलने से आता है, मुझे इतना सुकून जिंदगी में कभी नहीं मिला। मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं या ना बनूं, मैं एक अच्छा मुसलमान बनना चाहता हूँ। और वो भी मोमिन मुसलमान, दो किस्म के मुसलमान होते हैं, एक मुसलमान है जो अल्लाह को मानता है और दूसरा मोमिन मुसलमान होता है जो अल्लाह ही मानता है। तो हम अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि हमें ऐसा मुसलमान बना दे जो अल्लाह की बातों को माने। अल्लाह को हम मानते हैं, मानते मुसलमान नहीं है वो भी अल्लाह को मानता है, लेकिन अल्लाह की मानने वाले अगर हम बन जाए तो इस दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। शायद आप दीदी जब मर जाए तो शायद आप दीदी से खबर में उसकी क्रिकेट के सवाल नहीं होंगे कि तुमने कितने छक्के मारे, कितने आउट किए, ऐसा कोई सवाल मुझसे नहीं होना खबर है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है कोशिश करता हूँ बुजुर्गों के साथ जाके बैठूं, दीन को सीखूं, अल्लाह के रास्ते में निकलूं। मैं आपको पहले ये हमारे आयात में और बांगई बैठे हैं, 7-8 साल से मेरे पीछे पड़े रहे, शुरू में 2-3 साल पहले मेरे पीछे पड़े रहे। मैं इतना मेरे पीछे तबलीग वाले पड़ गए, मैं अपनी नमाज पढ़ता हूँ 3-4 रात बहुत करने के लिए है, बुरा बात है। लेकिन जब इनके साथ मिला इनके साथ पहली दफा मैंने शहरों का नहीं लगाया हैदराबाद जाके, तो यही मान लिया 3-4 रात की नमाज पढ़ता था, उससे 10 से 12 गलतियां निकल आई। मैं ये मेरी नमाज है, जब अल्लाह के रास्ते का निकलना शुरू करोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब खाने को सामने भेजनी पड़ी हो, जब तक आप उसको खाएंगे उसके मजे का पता नहीं चलेगा। तो ये अल्लाह का रास्ता है, जब तक आप अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेंगे आप उसको मजे का पता चल ही नहीं सकता। मुझे कोई जरूरत नहीं माइक पकड़ के आप लोगों के सामने खड़े होंगे